हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुचि एंड आर टुडेज टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड वेसल्स थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10th के यूपी बोर्ड स्पेशली अगर हम बात करें और 12th में यूपी बोर्ड में ये उसका फेवरेट टॉपिक है। बहुत बार ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा गलत लिख देते हैं, आर्टरीज का डिफरेंस वेंस में लिख देते हैं और वेंस का डिफरेंस आर्टरी में लिख देते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही इजी वे में इनके डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। आप बहुत ही ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सभी लोग अपने रिस्ट देखो, अपने हैंड को आप देखो। जब आप अपने हैंड को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइन जाते हुए दिखेगी। ये जो ब्लू कलर की लाइन है यही आपकी वेन्स होती है। और अगर हम बात करें आर्टरी की, तो आर्टरी जो आप इस तरीके से हाथ अपना टर्न थोड़ा सा करोगे तो एक अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक अंदर आप इसके देखो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो लोग बहुत ही ज्यादा पतले होंगे उनमें बहुत ही इजिली दिख रहा होगा। तो आप इस तरीके से अपना हाथ इसको टर्न कर सकते हो। ये जो पतली सी पाइप आपको दिख रही है अंदर, मोटी सी पाइप, ये होती है आर्टरी। तो यहाँ पे आप समझो जो मैंने लिखा हुआ है कि आर्टरी कैसी होती है, थिक होती है। जो ये मोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला अंदर है, वो क्या है, आर्टरी है। और वेन्स कैसी ब्लड वेसल होती है, थिन होती है। ये जो ब्लूइश कलर की मैंने आपको बताई है, ये जो ऊपर से जाती हुई दिख रही है, ये क्या है, वेन्स है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है वो क्या हो गई, वेन्स। और जो अंदर डीप सीटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक, वो क्या हो गई, आर्टरी। तो आर्टरी कैसी है, थिक है, मतलब मोटी है। और वेन्स कैसी होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है। इसके बाद आप समझो भाई, जब भी ये ब्लू कलर का है मतलब क्या हो गया, पॉइजनस है। आपने सुना होगा कोई भी चीज खराब हो जाती है या पॉइजनस हो जाती है, या आपने देखा होगा नीला पड़ना लगता है शरीर। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस होने लगता है। बॉडी जब पॉइजनस होने लगती है तो नीली पड़ने लगती है। तो इसका मतलब भाई ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि एक तो ये पतली है वेन्स, दूसरी ब्लू कलर की है, तो मतलब क्या करेगी, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। इम्प्योर ब्लड जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। वाइल अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी क्या करेगी, प्योर ब्लड को कैरी करती है जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप देखो भाई, देखो आपको ये जो वेन्स हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइनें हैं ये ऊपर ही दिख रही होगी। कई लोगों में भाई ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ब्लू कलर का, कई लोग में पर्पल पर्पल दिख रहा होगा। तो वो कंफ्यूज मत होना कि मेरे में तो ब्लू लाइन नहीं है तो वेन्स ही नहीं है, ठीक है। कुछ जो ग्रीन कलर की समवॉट ग्रीनिश जो ब्लू लाइन है वो क्या है, वेन्स है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर से ही दिख जा रही है ये वेन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई, क्लोजर और बीनीथ द सरफेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन के बहुत ही क्लोज और जरा से नीचे हैं। वाइल अगर हम बात करें आर्टरी की तो ये कैसी होती है, डीपर विद इन द बॉडी। भाई ये जो पाइप लाइक अंदर स्ट्रक्चर है वो क्या है, अंदर है। इसको आप हाथ जब ऐसे टर्न कर रहे हो तो आपको ये पाइप दिख रहा है। तो ये क्या हो गई, आर्टरी हो गई, जो डीप सीटेड है, विद इन द स्किन है, लेकिन वेन्स क्या है, क्लोजर टू द स्किन है, या आप कह सकते हो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट देखो, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि मैंने आपको बोला भाई आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहां पे एक चीज और लिख लो आप, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ये बात आप याद रखना, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है विच इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है, बल्कि कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और बाकी सारी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।
सेम डिफरेंस आपका वेन्स में हो जाएगा भाई, सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, डी मतलब जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि क्या इम्प्योर है। तो जो कि मैंने आपको बोला भाई नीला पड़ रहा है कोई चीज, तो मतलब क्या है उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है। तो ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट दी कौन सी वेन हो जाएगी, पल्मोनरी वेन। तो मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे कि सारी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी, और सारी की सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन। उसके बाद आप देखो क्या है भाई, ये वाली जो आपकी आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, मतलब कि जो इनका आर्टरियल ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। और वेन्स की अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भाई ये कैरी कर रही है, तो इसमें क्या हो गया ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लो हो जाएगा। अब ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। आप इस तरीके से देखो भाई, ये ब्लू लाइन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट में है, आप कह सकते हो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्योंकि आर्टरी कैसी है, थिक है भाई, ये जो आपका स्ट्रक्चर है आर्टरी का ये कैसा है, बहुत ही थिक है, तो जो इनका ल्यूमन है ये क्या हो गया, नैरो हो गया, नैरो यानी पतला। और यहां पर देखो आप इनका ये वेन्स कैसी थी, बहुत ही थिन थी, तो जो इनका ल्यूमन है ये क्या हो गया, बहुत ही वाइड हो गया, वाइड यानी चौड़ा, ल्यूमन के वाइड। ल्यूमन अच्छा क्या होता है, कई बच्चे सोच रहे होंगे ल्यूमन ल्यूमन क्या बोल रही हैं। देखो वेन्स कैसी हैं, पतली हैं, मतलब आप इस तरीके समझो कोई पतला सा पाइप ले लो, बिल्कुल पतला पाइप, या तो आप ये समझ लो भाई पेपर लो, पेपर को आप एक ऐसे पेपर फोल्ड जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बहुत ही पतला सा पेपर है, उसमें जो सरफेस एरिया बाकी का जो बचा आपका, वो जो इनर स्पेस बचा आपका वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो वो क्या है वेन्स। वेन्स का जो ल्यूमन है, ल्यूमन का मतलब होता है इनर स्पेस, आप कह सकते हो इंटेस्टाइन में या आपकी जो भी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो आर्टरी में ये स्पेस क्या है, कम है। अब भाई आप इस तरीके से समझो, जब आप पाइप से पौधों में पानी डालते हो, प्लांट्स को पानी देते हो, तो क्या करते हो, अगर भाई पाइप ऐसे नॉर्मल उसमें से पानी जा रहा होता है तो बहुत ही ईजिली फ्लो में जा रहा होता है, बहुत ही ईजिली फ्लो जाता है, तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है। लेकिन जब आप पाइप के ल्यूमन को, जो उसका सरफेस एरिया है या आप कह सकते हो जो उसकी इनर स्पेस है, उसको छोटा कर दो सिकोड़ के, तो बहुत ही प्रेशर के साथ आप देखते हो पानी दूर तक चला जाता है, या तो आपको दूर वाले पेड़ में पानी डालना है तो क्या करते हो आप, उसकी जो उसका छेद होता है पाइप का उसको क्या करते हो, थोड़ा सा दबा देते हो। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे अब जो ब्लड निकलेगा भाई इसमें से निकल रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे पूरे में से ब्लड निकल रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ये क्या है डिफरेंस है बिटवीन दी आर्टरी एंड वेन्स। आपको याद केवल इतना रखना है भाई, अपना हाथ देखो, पूरी की पूरी भगवान ने आपको बायोलॉजी में पूरा चीटिंग का सिस्टम दिया हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर देखो उसके बारे में आपको डिफाइन करना होता है। ये ऊपर दिख रही है सुपरफिशियल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ग्रीन और ब्लू कलर की दिख रही है, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है, CO2 का लेवल ज्यादा है, सुपरफिशियल टू द स्किन है, थिन है, आर्टरी अंदर है थिक है, डीप सीटेड है बिल्कुल अंदर ही, ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ल्यूमन इसका कम है, तो ब्लड प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम लग रहा है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आप अपने आप ही लिख सकते हो कॉपी में,
बिना किसी कंफ्यूजन के बस अपना हाथ देखो और लिखना स्टार्ट कर दो। क्लियर? दूसरे का मत देखने लगना वरना टीचर को लगेगा चीटिंग कर रहा है बच्चा। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।